चेन्नई सुपर किंग्स के धुरंधर बल्लेबाज अंबाती रायडू ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया और शनिवार को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में 20 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया। रायडू ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 72 रन बनाए और नाबाद लौटे। उन्होंने 27 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 4 चौके और 7 छक्के लगाए। उन्होंने मुंबई के किसी गेंदबाज को नहीं बख्शा और पेसर ट्रेट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, धवल कुलकर्णी और राहुल चाहर की गेंदों पर छक्के लगाए। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने भी टॉस जीता और चेन्नई को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऋतुराज गायकवाड़ को पारी के पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने हार्दिक पंड्या के हाथों कैच कराया। अंबाती रायडू ने 20 गेंदों पर अर्धशतक लगाया, जो मौजूदा सीजन का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है। उनसे ऊपर दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ का नंबर आता है, जिन्होंने केकेआर के खिलाफ 18 गेंदों पर अहमदाबाद में अर्धशतक लगाया था। टॉप पर मुंबई के कायरन पोलार्ड, जिन्होंने इसी मैच में 17 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे कर लिए।